जय हिंद, आप सब बेहतर होंगे। इस वीडियो में आपको प्राइवेट और कंपार्टमेंटल के स्टूडेंट जो सीबीएसई या किसी भी अदर स्टेट के हो, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत लोगों के लिए अच्छी जानकारी, क्योंकि बार बार मुझे कमेंट्स में, अगर 10 कमेंट्स आते हैं उसमें से 2 कमेंट्स 3 कमेंट्स ऐसे होते थे कि सर प्राइवेट और कंपार्टमेंटल के बारे में क्या डिसीजन किया, हमारा क्या होगा। सो छात्र, इस वीडियो में बने रहे, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखें। ये पहली बार आपको वीडियो द्वारा आपको बताया जा रहा है। जो लोग हमारे न्यू व्यूवर्स हैं उनसे मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे टीम के द्वारा आपको मिलता है। सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के प्राइवेट और कंपार्टमेंटल स्टूडेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल किया गया है ममता शर्मा से और विशेषण वास्तव सर से, सभी द्वारा से PIL दाखिल कर दिया गया है। और ये मांग की गई है कि सभी को जो रेगुलर कैंडिडेट हैं या प्राइवेट स्टूडेंट है या कंपार्टमेंटल स्टूडेंट है, जब रेगुलर को आप प्रमोट कर रहे हैं तो सभी को प्रमोट करना है। इसके बारे में PIL दाखिल सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है और कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। और बहुत जल्द, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 15-16 जुलाई तक सारा जो CBSE के द्वारा जो मार्किंग होने वाला है, सारा जो किस प्रकार से मार्किंग CBSE करेगी, इस विषय में सारा डिटेल आपको उस 15-16 तारीख तक सारे आ जाएंगे। छात्र, आप चिंता नहीं करें। और इस सभी छात्र चाहे किसी भी स्टेट के हो, सभी को एक तरह मार्किंग, एक ही सिस्टम पे मार्किंग किया जाएगा। ये आपको क्लियर 15-16 जुलाई को हो जाएगा। उसके बाद आपके भी शंकाएँ दूर हो जाएंगी। आप वीडियो जहाँ से भी देख रहे हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। जो छात्र बहुत चिंतित है, प्राइवेट और कंपार्टमेंटल वाले, CBSE और आपका स्टेट बोर्ड वाले सारे स्टूडेंट, उन सभी के लिए वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगा। उनका सहयोग करें, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल के साथ इसी तरह से बने रहें। फिर कुछ अच्छा अप टू डेट जब आएगा फिर मैं वीडियो लेके आपको आऊँगा। और असम के छात्रों को सपोर्ट करना, त्रिपुरा के स्टूडेंट को और आंध्र प्रदेश जिन जिन स्टेट का सब कैंसिल नहीं हुआ है, उन स्टूडेंट को भी साथ साथ सपोर्ट करते रहिए, एकजुटता दिखाते रहिए और वीडियो के साथ और इस चैनल के साथ बने रहें। जय।